रमजान मुबारक। आज आपको एक खुश खबर देना चाहती हूँ कि एक इमाम साहब हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। तरावी के वक्त का ये वीडियो है जिसे आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड टाइटल में ना बिल्ली को मेंशन कर रखा है, मतलब कुछ तो भी कैट से रिलेटेड इंसिडेंट है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान के महान मौलाना साहब मिफ्तही जी, उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एंड क्योंकि रमजान पाक चल रहा है, ये मुकद्दस महीना चल रहा है, तो दुनिया भर में जब ऐसे ईमान को प्रमोट करने वाले वीडियोस वायरल होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। एंड ऑब्वियसली मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपको मेरे प्यारे से दोस्त, ये वीडियो साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मौलवी साहब मिफ्तही जी को, जिनकी वजह से आज हम वीडियो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आई एम टेलिंग यू, बचपन में हमने ये किस्से ज़रूर सुने हैं कि जब भी ऐसे अजान होती है या नमाज होती है तो बिल्लियाँ कुत्ते जो है ना वो शांत हो जाते हैं, चुपचाप बैठ करके उसे एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो सोचिए जब एक बिल्ली को अजान की आवाज़ सुन करके इतनी खुशी मिलती है तो हम तो इंसान हैं, हमें तो सुन करके गद गद हो जाना चाहिए। मैंने भी जब 2.5 साल पहले सुनी थी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे एकदम प्रॉपर बैठ करके, आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसा मैंने सुना है कि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी ईमान होता है तो रोना आ जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। खैर फिलहाल इस वीडियो को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू होगी तफसीली। सोशल मीडिया पर कब क्या चीज, कौन सा वीडियो वायरल हो जाएगा किसी को पता नहीं होता। और लोग सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए, शोहरत पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या जतन नहीं करते। नाचते हैं, गाते हैं, कॉमेडी करते हैं, प्रैंक करते हैं, और कुछ लोग तो मशहूर होने और वायरल होने के लिए अपने कपड़े तक उतार देते हैं, नंगापन करते हैं, बेहुदगी करते हैं, बेहुदा कॉमेडी करते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा भी काम करते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग ही जल्दी वायरल होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग और एक बहुत ही ज्यादा वाहियात लोग। बीच के लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन उनको वायरल होने में सालों लग जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि शोहरत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, देन है, वो जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे छीन ले। एक दो दिनों से इमाम साहब की एक छोटी सी तरावी की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं के अलजजायर के शिमाल में अबू अलीरज के इलाके की एक मस्जिद, मस्जिद अबू बकर के इमाम शेख वलीद महसास के साथ ये वाकिया पेश आया कि वो नमाज तरावी पढ़ा रहे थे और कुरान पाक की तिलावत में पूरी तरह मशगूल थे कि एक अचानक अल्लाह की एक प्यारी सी मखलूक उनके बदन पर चढ़ गई और उनके कंधे पर जा बैठी और इधर उधर देखने लगी और इमाम साहब के चेहरे को चूमने लगी। यहां तक के इमाम साहब के मुंह के पास उस बिल्ली ने अपना मुंह लेकर गई। लेकिन जो बात सारी दुनिया को भा गई, पसंद आ गई, वो है इमाम साहब का उस बिल्ली के साथ रवैया, मुशफिकाना रवैया, कि इमाम साहब बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाए, ना उन्होंने अपनी नमाज खराब की, ना मुक्तदियों की नमाज खराब की, ना उन्होंने अपनी नमाज तोड़ी, ना मुख्तदियों को मजबूर किया कि वो भी नमाज तोड़े। वैसे इमाम साहब अगर नमाज तोड़ देते तो सबको खुद ब खुद नमाज तोड़ देनी पड़ती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े प्यार से बिल्ली को सहलाया, प्यार किया, ना उसको उन्होंने झटका, ना उसको भगाया, बल्कि जब तक बिल्ली ने चाहा वो इमाम साहब के कंधे पर बैठी रही और जब उसका दिल चाहा वो उतर गई और वो चली गई।
इस वीडियो को लोगों ने खूब वायरल किया और आज भी कर रहे हैं और इमाम साहब के इस अमल को सराह रहे हैं। इमाम साहब के बिल्ली के साथ की गई शफकत का हर जगह चर्चा है। कोई न्यूज पोर्टल ऐसा नहीं है जहां इस खबर को नहीं बताया गया। और सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया, हर जगह ये वीडियो ट्रेंडिंग पर है। बल्कि इमाम साहब का खुद एक यूट्यूब चैनल है, उनके पूरे चैनल के मिलाकर इतने व्यूज नहीं है जितने इस वीडियो को मिले हैं। और इमाम शेख वलीद महसास को आज सारी दुनिया जान रही है और उनकी तारीफ कर रही है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, शोहरत दे देता है। जब जानवरों के साथ अच्छा सुलूक किया जाता है तब अल्लाह इतने खुश होते हैं कि रातों रात उस इमाम साहब के सामने इज्जतों का अंबार लगा दिया। अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। दो मशहूर वाकये भी है कि एक फाहिशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए थे, और एक नेक औरत ने एक बिल्ली को कैद कर दिया था और बिल्ली भूख से मर गई थी तो अल्लाह के गुस्से और गजब का शिकार हो गई थी। जरा सोचिए ना भाइयों, जब जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छे रवैये का ये सिला अल्लाह के यहां मिलता है तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। जब कोई इंसानों के साथ उसने सुलूक करता है, उनकी मदद करता है तो सोचिए अल्लाह कितने खुश होते होंगे, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का खानदान है। और जब कोई हमारे खानदान के साथ उसने सुलूक करता है, अच्छा रवैया अख्तियार करता है, उनकी मदद करता है तो हमको कितनी खुशी होती होगी। इसलिए इंसानों के साथ जब या फिर अल्लाह की पैदा की गई जितनी भी मखलूकात है जब उनके साथ उसने सुलूक होता है तो अल्लाह खुश होते ही है। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान का महीना है, हुस्ने सुलूक का भाव भी बड़ा हुआ है। जितना मुमकिन हो सके लोगों की मदद करें, उन्हें सहारा दे। पता नहीं अल्लाह को कौन सी आपकी छोटी सी नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह आपको उन नेमतों से नवाज दे जिनके लिए आप जिंदगी भर तरस रहे थे। वीडियो ये इधर ही एंड होता है और काफ़ी दिलचस्प वाकया ये हो गया है और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड ये वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। बाकी अगर मैं कहूँ इमाम साहब की जगह अगर मैं होता तो शायद मैं तो एक बार बिल्ली से भाई बहुत ज़्यादा ही डरता हूँ सही बोलो तो, और मैं तो शायद नमाज अपनी तोड़ देता। बिल्कुल यार, शायद यही रीज़न है मैं वहाँ नहीं हूँ। नमाज में ही पढ़ रहा होता हूँ तो कोई बिल्ली तो छोड़ा यार, कोई कीड़े ही आ जाता है ना तो मैं एकदम से चमक जाता हूँ। हाँ, डर नमाज में। लेकिन इमाम साहब वो तरावी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल मगन थे वो पढ़ने में, लेकिन बिल्ली उनके ऊपर आ गई, वो बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। उल्टा बिल्ली आई तो उनको उन्होंने प्यार से सहलाया और उन्होंने नमाज पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं करा। तो ये मतलब वाकई में वो कितना ज़्यादा मगन होंगे नमाज पढ़ने में और इतना ज़्यादा उनका ध्यान नमाज में होगा। इमाम होना भाई देखो कैसा टास्क है, मतलब इमाम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं। एक वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और हमें नहीं पता था, मेरे को भी यही लगा था ये वीडियो देख के, रील्स में देखा था मैंने, तो ये पालतू बिल्ली है और वो शायद आ गई तो वो उनको पता हाँ, ही है हाँ। तो इमाम साहब वहाँ से हटे नहीं और कंटिन्यू बात है। एक चीज से ये भी समझ में आती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग को अपनी नमाज नहीं छोड़नी है। वही तो, वो नमाज तरावी का जो नमाज होता है रमजान के महीने में एक महीने तक के पढ़ाया जाता है और उसमें पूरी कुरान की जितनी भी सूरह है वो पढ़ाई जाती है। तो उसमें क्या है एकदम मतलब कुछ भी भाई, इतनी सारी सूरह है वो भी अरबी वर्ड में हाँ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं बिना छोड़े कितनी। और अपने इमाम साहब डरे भी नहीं, वो बोल रहे हैं कि पालतू बिल्ली नहीं है उसके बाद भी है ना, और पढ़ाए जा रहे कितनी अच्छी, और फिर उसको सहलाना कितनी अच्छी चीज हुई है, ये सच में पूरी जगह वायरल है। और जहाँ तक हमें पता है बिल्ली का इस्लाम में पालने के हिसाब से यस हम पाल सकते हैं उसको, और वो क्या बोलते हैं मतलब नापाक नहीं है वो चीज, क्योंकि मैं ये स्टोरी सुना था, ये हदीस में एक स्टोरी है मतलब हदीस में सुना था, ये स्टोरी है कुछ हम वीडियो देखे थे वो उसमें ये बोला गया था कि हमारे नबी जो थे उनके फेवरेट थी ये जो हाँ वो पालते थे वो भी ठीक है बिल्लियां। तो मैं देखो चेन वाला की एक लेडी ने उसको चेन करके रखी थी तो, और वो नमाज पढ़ती थी और उसके बाद भी उसको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिए।
और जो एक जिना करती थी लड़की और उसने कुत्ते को जो पानी पिलाया उसके वजह से उसको जन्नत में डाली, ये स्टोरी हमने सुना हुआ है पहले से और बहुत ही कितनी अच्छी बात है, मतलब इस्लाम में जानवरों के लिए भी कितनी अच्छी चीजें बताई गई, मतलब ऐसी ये किताब में इतना अमेजिंग बात है, किसी भी चीज को छोड़ते ही नहीं, हर चीज के लिए पहले से 1400 साल पहले ही इस कुरान शरीफ में लिख दिया गया है कि ये चीज है, बहुत अमेजिंग है। हाँ जी, तो मतलब ये तो भी करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि करिश्मा इसलिए क्योंकि सोचिए जिनको कोई जानता नहीं था अचानक रातों रात उनको इतना फेम मिल गया, लोग जान भी गए, तो ये बात है ना। एक मैं कुरान की एक बहुत प्यारी सी एक आयत पढ़ना चाहूंगी, दैट ये मैंने बहुत सुना है मतलब रील्स में भी, तो मुझे जितना आता है उतना ही बोल पाऊंगी। दैट वह तो इज्जू मंतशा व तज़िल्लू मंतशा, यानी अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता करता है और जिसे चाहे वो जिल्लत देता है। तो मतलब कि ये एक बहुत प्यारी बात जो भी इन्होंने कही ना, कि आप अल्लाह की मखलूकात के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो अल्लाह भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि मैं बताती हूँ, इस्लाम एक अमल का दीन है, एक नियत का दीन है, ठीक है। मतलब अमल और नियत, इट्स द बेस ऑफ द रिलीजन दिस। ये जो हमारा धर्म है, ये जो हमारा एक बहुत प्यारा सा मजहब है इस्लाम, इसकी जो नींव है ना वो अमल और नियत है। जब इंसान की नियत साफ होगी तो अच्छा ही सलूक करेगा दूसरों के साथ, और जब वो अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अजर देने वाला तो खैर अल्लाह ही है। तो बहुत ही बहुत 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 प्रीति सी ये वीडियो थी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी इस चीज़ से सीखिए। देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे जानवर से थोड़ा डर लगता है तो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको पसंद नहीं करती, पसंद करने वाले लोग भी हैं जो उनके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। सो नेवर ट्रीट एनी एनिमल बैडली, कभी किसी जानवर, या जानवर तो चलो ठीक है, इंसान के साथ भी कभी बुरा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि यू डोंट नो कि वो कब आपके पास यू नो घूम के आए, क्योंकि एक अच्छा व्यवहार घूम के वापस आता है, वैसे ही बुरा व्यवहार भी घूम के आपके पास ही वापस आएगा, ठीक है। तो हमेशा अच्छे अमल कीजिए, हमेशा अपनी ज़िंदगी को नेमतों से भरिए, अपने अल्लाह से तलब कीजिए, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें भी इतना 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 काबिल बना कि हम तेरी नेमतों की रहमत में शामिल। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्तही जी, हमारे देश के, यू नो वी ऑलवेज़ फील प्राउड कि हमारे भारत महान में इतने प्यारे प्यारे मौलवी साहब हैं जो इतनी अच्छी तालीम लोगों को देते हैं, और कहते हुए भी खुशी होती है कि बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं सनातनी भाई बहन इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी बातें इतनी मोटिवेशनल, इतनी एक्चुअली ज़िंदगी जीना सिखा देने वाली होती हैं। और इमाम साहब क्या कहें, मैं सच बता रही हूँ कि अगर मैं वहाँ पर होती, आई वुड हैव गॉट स्केर्ड, डर करके मैं कुछ तो भी हाथ से झटक देती, वो बिल्ली बेचारी गिर जाती। पर यही तो रीज़न है कि ये इमाम साहब हैं और हम अभी उस पद तक पहुँचे नहीं हैं। देर इज़ अ रीज़न कि उनको इतनी बड़ी अथॉरिटी दी गई है, कितने ब्यूटिफुली उन्होंने इस अथॉरिटी को हैंडल किया, अपनी नमाज नहीं तोड़ी, और वहाँ पर जितने भी नमाजी खड़े थे, 100-150 कम से कम होंगे, सभी की नमाज टूटने से बच गई। और वो चंद सेकंड्स के अंदर आपने देखा कि कितने प्रेम भाव से उन्होंने बिल्ली को ऐसे सहलाया भी। आज तक का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यार भरा वीडियो मैंने इंटरनेट पे देखा है, ये मैं कहूँगी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और देखिए क्या किस्से हमको मौलवी साहब ने सुनाए कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो जब भी हम किसी भी क्रिएचर को इन नीड देखते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कर्मों का फल मिलता ही है, आप कर्म से तो एस्केप कर ही नहीं सकते, सुकर्म करें अच्छे कर्म करें तो उसका अच्छा फल मिलना लाजमी है। और अगर यहीं पे किसी के साथ इमोशनल अत्याचार कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, तो उसका बुरा फल भी मिलेगा ही। तो बहुत कॉन्शियस होकर के अपने लाइफ डिसीजंस लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वी हैव टू वॉच आर फीलिंग्स, मतलब क्या भाव हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनको विटनेस करें, समझें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये सही है।
क्या ये गलत है? गलत है तो अल्लाह सुबहान व तआला से माफी मांगिए, वो बहुत रहमान और रहीम, उससे ज्यादा रहीम और करीम कौन है इस दुनिया के अंदर? जिसने आपको बनाया है वो आपकी हिफाजत भी जरूर करेगा, एक बार उसे अपना कर तो देखिए। दिल खुश हो गया यार ये वीडियो देख करके, एकदम फुलफिल्ड महसूस हो रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप अपना और अपने पूरे परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, एस्पेशली रमज़ान चल रहा है तो सहरी इफ्तारी अच्छे से करिएगा। और इस वक्त में आप खाना तो खाते ही सहरी इफ्तारी के वक्त, पर पानी पे भी यू नो हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरे दिन के टाइम में पानी नहीं पीना है। खाने के बिना तो बंदा इजीली सरवाइव कर लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू वाटर, एक दिन का रोजा रख करके देखा था और महसूस हो गया कि कितना टिपिकल है। पर यही है कि जैसे जैसे हमारे ईमान में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हम भी जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो ईमान को महफूज रखिएगा दोस्त। अल्लाह हाफिज़।